आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि द ग्रेट फिल्टर क्या है, और मैं आप लोगों को एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताऊंगा जो ये बताता है कि अर्थ पे जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा लकी है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है, और अगर केवल हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी की ही बात करें तो इसका डायमीटर करीब करीब 150 लाइट ईयर्स का है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने बड़े एरिया में भी हमें अब तक अर्थ के अलावा कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिला है जिसपे इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? वेल, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि दोस्तों, हो सकता है कि इस समय मिल्की वे गैलेक्सी में किसी दूसरे प्लेनेट पे लाइफ मौजूद ना हो। लेकिन दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी का जो औसतन एज है वो 13.6 बिलियन ईयर्स का बताया जा रहा है, और अर्थ पे जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने करीब करीब 3 बिलियन ईयर पहले जन्म लिया था। तो हो सकता है कि उसके पहले किसी दूसरे प्लेनेट पे इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हो, लेकिन एस्ट्रॉइड गिरने या फिर वॉल्केनिक इरप्शन जैसे डिजास्टर्स की वजह से वहाँ पे लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई हो। और दोस्तों, ये जो डिजास्टर्स हैं जो कि किसी सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इन्हीं डिजास्टर्स को हम लोग बोलते हैं द ग्रेट फिल्टर। और दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इंटेलिजेंट लाइफ शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो बेसिक माइक्रोस्कोपिक लाइफ है जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह, इनका फॉर्मेशन इंटेलिजेंट लाइफ के फॉर्मेशन के मुकाबले काफी ज्यादा आसान है। और अगर ये दूसरे प्लैनेट्स पे काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद भी होंगे, तब भी हमें वहां तक जाके वहां से सैंपल्स लेके उन्हें टेस्ट किए बगैर उनकी एग्जिस्टेंस का पता नहीं चल पाएगा। और हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने लैब में एक ऐसा वातावरण बनाया जैसा वातावरण हमारे अर्थ के शुरुआत के कुछ दिनों में था, और वैसा वातावरण बनाने के लिए उन्होंने पानी और लाइटनिंग जैसी चीजें प्रोवाइड की। और दोस्तों, उन्होंने ये पाया कि कुछ समय बाद अमीनो एसिड्स और कुछ ऐसी प्रोटीन्स फॉर्म होने लगे जो कि लाइफ को फॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो बेसिक माइक्रोस्कोपिक लाइफ है उसका फॉर्मेशन काफी ज्यादा आसान है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद हमें अब तक इस बात का आंसर नहीं मिल पाया है कि इन बेजान चीजों से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बन सकता है। अब दोस्तों, हम उस समय में चलते हैं जब शुरुआत के ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो रहा था, और अनुमान के मुताबिक जो शुरुआती ऑर्गेनिजम्स थे वो थे बैक्टीरियाज। तो अब दोस्तों, हम मान लेते हैं कि बैक्टीरियाज का जन्म हो गया, लेकिन अब इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है कि वो बैक्टीरियाज कुछ और बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिश वगैरह में इवॉल्व हो। और दोस्तों, मान लेते हैं कि फिशेस का फॉर्मेशन हो भी गया, तो फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट किए, और वो जो ऑक्सीजन था वो एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर का फॉर्मेशन किया। और दोस्तों, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होने के बाद ही पानी से कुछ ऑर्गेनिजम्स निकल के जमीन पे आए, और इसी तरह से पेड़ पौधों और जो जमीन पे हम लोग जानवर देखते हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। और दोस्तों, जो कुछ शुरुआत के जानवर थे वो थे रेप्टाइल्स, जो कि आगे चल के डायनासोर्स में इवॉल्व होने वाले थे। और दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि वो रेप्टाइल्स डायनासोर में इवॉल्व हो गए। तो इसी तरह से इवोल्यूशन चला आ रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक फुटबॉल स्टेडियम के साइज का मीटियोर आके अर्थ पे गिर जाता है, और उस मीटियोर के गिरने की वजह से अर्थ पे 70% जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। और दोस्तों, वो जो एस्ट्रॉइड था उसे हम कह सकते हैं कि वो एक ग्रेट फिल्टर था, और डायनासोर्स उस ग्रेट फिल्टर को सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन जो कुछ 30% ऑर्गेनिजम्स उस ग्रेट फिल्टर को सर्वाइव कर लिए वो थे हमारे पूर्वज, और उसी का रिजल्ट है कि आज आप बैठ के ये वीडियो देख पा रहे हैं। और हम ह्यूमंस केवल लक की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो बैक्टीरियाज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व ना हुए होते, और फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बड़े फिशेस में इवॉल्व ना हुए होते, और फिर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन ना हुआ होता, तो फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जमीन पे ना आ पाता। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म जमीन पे ना आता तो हमारे पूर्वज भी जन्म नहीं लेते, और अगर हमारे पूर्वज ही जन्म ना लेते तो हमारे एग्जिस्टेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। और अब दोस्तों, मैं आप लोगों को साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ जो कि ये बताता है कि अर्थ पे जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा लकी है। तो दोस्तों, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स की एक टीम ने सुपर कंप्यूटर में एक सिमुलेशन रन किया जिसमें उन्होंने 1,00,000 ऐसे प्लैनेट्स लिए जो कि लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने उन 1,00,000 प्लैनेट्स को 100 तरह के डिजास्टर से गुजारा,
जैसे कि एस्ट्रॉइड का गिरना, वॉल्केनोस का फटना या फिर पूरे प्लेनेट का ठंड की वजह से जम जाना। और इसी तरह से पूरे के पूरे 100 ऐसे इवेंट्स थे जिससे उन 1,00,000 प्लेनेट्स को गुजरना था। और वो सिमुलेशंस रन करने के बाद जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। ऐसे केवल 9% यानी कि 8,400 ऐसे प्लैनेट्स थे जो कि मात्र एक डिजास्टर झेल पाए। और फिर उसके बाद केवल 4,500 ऐसे प्लैनेट्स थे जो कि 10 से भी कम डिजास्टर्स झेल पाए। तो दोस्तों, हमें इससे एक अंदाज़ा लगता है कि अर्थ पे जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा लकी है, क्योंकि ये जो अर्थ है वो पिछले 3 बिलियन ईयर से हैबिटेबल है, यानी कि लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। और 3 बिलियन ईयर काफ़ी लंबा समय होता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।